सुल्तानपुर में आज जिला पंचायत की बैठक संपन्न हुई। शपथ ग्रहण के बाद हुई औपचारिक बैठक के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। बताते चलें कि जिला पंचायत सभागार में हुई इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह, भाजपा विधायक सूर्यवान सिंह, विधायक सीताराम वर्मा, सपा विधायक अबरार अहमद सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले अध्यक्ष उषा सिंह की अनुमति से 3 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें पुरानी बैठक की कार्य वित्त की पुष्टि और समिति का गठन था। इसके अलावा पंचम राज्य वित्त और केंद्र वित्त से जो पैसे मिलने वाले हैं उसी को लेकर सदस्यों की कार्य योजनाओं को शामिल कर कार्य का बंटवारा और आवंटन करने पर चर्चा हुई। फिलहाल बैठक शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। किस तरीके की बैठक थी, इस बैठक में क्या रहा? आज दिनांक 16 को हम लोगों ने जिला पंचायत की बैठक रखी गई थी। ये आपकी पहली बैठक के बाद आज ये दूसरी बैठक थी। पहली बैठक औपचारिक बैठक होती है तो आज ये प्रथम बैठक थी। इसमें बेसिकली 3 एजेंडा बिंदु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डिस्कस किए गए थे, जिसमें पुरानी बैठक की कार्यवृत्ति की पुष्टि थी जिसके अंदर समितियों का गठन किया गया था और जो हमें पंचम राजवित्त में और केंद्रीय वित्त में पैसा प्राप्त होने वाला है, अभी जो प्राप्त नहीं हुआ है उसी के ऊपर जितने माननीय सदस्यगण उपस्थित थे उनकी कार्ययोजनाओं को लेना, सम्मिलित करना और उसी के हिसाब से कार्यों का बंटवारा करते हुए सभी को कार्य आवंटन करना, इसी के ऊपर चर्चा की गई। क्या किसी प्रकार की किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं, बैठक एकदम शांतिपूर्ण हुई, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। मैं इसके लिए सभी सदस्यों का और माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इतनी शांतिपूर्ण आज बैठक आयोजित हुई।